नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ग्रीस से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे। इसरो के वैज्ञानिकों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी, मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने नारा दिया, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। सबसे पहले वैज्ञानिकों को नमन, पीएम मोदी की ओर से बात कही गई। देश के वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में भी पीएम के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। तो बिल्कुल देखिए, चंद्रयान 3 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ग्रीस से सीधे प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के समक्ष उनके बीच में पहुंचे। पीएम मोदी ने मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। साथ ही एक नारा भी उनकी ओर से दिया गया, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सबसे पहले सभी वैज्ञानिकों को नमन, देश के वैज्ञानिकों ने देश को एक बड़ी सौगात दी है, बड़ा तोहफा दिया है। भाई देखिए, दिल्ली में भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। तो मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। ग्रीस से सीधे पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर इसरो के केंद्र में वो पहुंचे और वहां पर पीएम मोदी ने सभी वैज्ञानिकों से मुलाकात की, तमाम वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। जय चंद्रयान, वैज्ञानिकों का सम्मान, यहां पर पीएम मोदी का यही मोटिव। तो पीएम मोदी ने नारा दिया है कि जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि वैज्ञानिकों को सत सत नमन, देश के वैज्ञानिकों ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने नारा भी दिया, जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। ये भारत का भविष्य है। मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। अब जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। देश के वैज्ञानिक, देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है, वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया, दुनिया के हर कोने में। न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सभी को संबोधित किया और एक नारा उनकी ओर से दिया गया, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। देश के वैज्ञानिकों को उन्होंने नमन किया, साथ ही सभी को बधाई दी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वैज्ञानिकों का जो हौसला अफजाई है वो करते आ रहे हैं। और
जब चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक से बात की थी, तमाम वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की थी। उसके बाद जब ये मिशन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई चंद्रमा के साउथ पोल पर, उसके बाद भी पीएम मोदी ने ग्रीस से ही तमाम लोगों को संबोधित किया। उनका संबोधन भी सभी वैज्ञानिकों ने बड़े ही ध्यान से सुना। संपूर्ण देशवासियों ने भी पीएम मोदी के संबोधन को सुना, जिसमें वैज्ञानिकों की उन्होंने काफी तारीफ की। उसके बाद फोन पर भी वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने बात की, यानी कि हमेशा की तरह पीएम मोदी एक बार फिर से वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे उनके हौसला अफजाई के लिए, और यहां पर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों को नमन है, देश के वैज्ञानिकों ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। तो ग्रीस से सीधा पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर इसरो केंद्र में वो पहुंचे और वहां पर तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात की, बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ग्रीस में थे तब भी कुछ इसी तरीके का नजारा वो देख पा रहे थे, जब भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी विज्ञान के क्षेत्र में, एक मजबूत दावेदार भारत बनकर उभरा है, और इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय जाता है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत वो पहला देश बन गया है पूरी दुनिया में जिसने दक्षिण ध्रुव पे सफलता हासिल की है, और वहां से हमें तमाम तस्वीरें भी लगातार चंद्रमा की तमाम तस्वीरें भी उस स्पेसक्राफ्ट के जरिए दिखाया जा रहा है। तो यहां पर पीएम मोदी वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे और वैज्ञानिकों को नमन किया, देश के वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी की ओर से ये बात कही गई। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी और वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों से उन्होंने मुलाकात की, बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का उन्होंने नारा दिया। इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी यहां पर लोगों के बीच पहुंचे, चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी, और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब वो ग्रीस में थे तो वो काफी उत्सुक थे कि वैज्ञानिकों से मुलाकात की जाए, और इसलिए वो सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो केंद्र में सभी से मुलाकात की।